जब पत्नी महिला थाना में या CEW सेल में, क्राइम अगेंस्ट वुमन सेल में जब कंप्लेंट करती है, 498A का केस रजिस्टर करना चाहती है, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट में हम किस तरह से उस केस को वहीं पर खत्म कर सकते हैं, क्या है इसका तरीका, इसको हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ओवर द सिचुएशन। अमूमन हस्बैंड्स को जो उनके लॉयर हैं या उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो मिसगाइड करते हैं कि भाई जो CEW सेल की मीडिएशन है या जो ये महिला थाने की मीडिएशन है, काउंसलिंग है, इसको अटेंड ही मत करो, वहां पर जाओ ही मत, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। पति को या पति के घर वालों को, जिस जिसको भी नोटिस मिला है, उन सभी को जो है उस पर्टिकुलर डेट पर जाना चाहिए, जितनी भी सीटिंग्स हो, चाहे एक सीटिंग हो, चाहे दो सीटिंग हो, चाहे तीन सीटिंग हो, जब जब भी मीडिएशन हो तब तब जो है उस मीडिएशन को अटेंड करना चाहिए और हर बार अपनी बात रखनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, सबसे पहले बेसिकली आपको ये समझना होगा कि जो महिला थाना है या CEW सेल है, यहाँ पर FIR रजिस्टर नहीं होता है। पहली बात, FIR इसलिए रजिस्टर नहीं होता है क्योंकि जो महिला थाना है या जो CEW सेल है, यहाँ पर सिर्फ काउंसलिंग होती है। पति और पत्नी के बीच में जो भी डिस्प्यूट है, जिस पर्टिकुलर इश्यू को लेकर डिस्प्यूट है, उसको लेकर मेडिएटर के साथ काउंसलिंग होती है और मीडिएटर उस इश्यू को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको याद रखना है कि जब आप लोगों की काउंसलिंग शुरू होगी, जब पति और पत्नी की काउंसलिंग शुरू होगी, तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी पत्नी ने कंप्लेंट दिया है और कंप्लेंट के साथ दहेज के जो जो भी सामान, जो जो भी आर्टिकल्स का उसने जिक्र किया है, उस सब के रिगार्डिंग पति को एक रिप्लाई जरूर फाइल करना चाहिए। जो मीडिएटर है उसको एक रिप्लाई जरूर फाइल करना चाहिए और इस रिप्लाई में जो पति के पास जो भी एविडेंसेस हैं, जो भी उसने क्लेम्स लगाए हैं पत्नी ने, उन सभी क्लेम्स के अगेंस्ट या उन सभी क्लेम्स के काउंटर में जो भी एविडेंसेस हैं, पति को वो सभी चीजें जो है उस रिप्लाई के साथ देना चाहिए। सो बेसिकली ये चीज यहाँ पर समझना जरूरी है कि उस कंप्लेंट को काउंटर कैसे करना है। पति के लिए कंप्लेंट का काउंटर करना बहुत जरूरी है। जब कंप्लेंट काउंटर होगा तभी जो है ये मीडिएटर को भी समझ में आएगा कि जो कंप्लेंट है वो फेक है। तो पहला काम जो करना है वो है उस कंप्लेंट का काउंटर रिप्लाई फाइल करना। उस रिप्लाई में हर एक एविडेंस पति को देना चाहिए ताकि उस मीडिएशन प्रोसेस में ही, उस काउंसलिंग में ही ये क्लियर हो जाए कि जो पत्नी का जो कंप्लेंट है वो फेक है। जब ये चीज क्लियर हो जाएगा तो इससे मीडिएटर के माइंड में, जो काउंसलर है उसके माइंड में एक ये मैसेज जाएगा कि जो पत्नी ने कंप्लेंट फाइल किया है वो फेक है। तो इसके बाद जो मीडिएटर रिपोर्ट बनाएगा वो उस रिप्लाई को ध्यान में रखते हुए बनाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आपका रिप्लाई स्ट्रांग है, अगर आपके फेवर में एविडेंसेस हैं, तो फिर जो रिपोर्ट बनेगा वो आपके फेवर में बनेगा और जब आपके फेवर में रिपोर्ट बनेगा तो फिर आपके खिलाफ FIR रजिस्टर नहीं होगी। ये चीज हमेशा दिमाग में रखना कि जो मीडिएटर की रिपोर्ट होती है उसी के बेसिस पर ही FIR को रजिस्टर किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको रिप्लाई देना जरूरी है और रिप्लाई के साथ एविडेंसेस देना बहुत जरूरी है ताकि आपके फेवर में जो मीडिएटर की रिपोर्ट है वो बन सके। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।